क्या मोदी अपने बाल कटवाने विदेश जाते हैं? क्या मोदी खूबसूरत फिरंगी हसीनाओं से अपनी हेयर ड्रेसिंग करवाते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर के साथ दिया गया कैप्शन पढ़िए जरा। यहाँ लिखा है, जब बाल संवारने के लिए सुंदर हसीना हो तो बूढ़ी बीवी की क्या जरूरत है। इस कैप्शन के साथ मोदी की ये तस्वीर जंगल में आग की तरह वायरल हो गई। महज कुछ घंटों में ही इसको हजारों लोगों ने शेयर कर लिया। अब ये तस्वीर दिखने में इतनी असली जैसी थी कि कोई करे भी तो क्या करे। लेकिन क्या यही आखिरी सच है? क्या देश के करोड़ों लोगों ने अपने दिल में मोदी की जो छवि बना रखी है उसके उलट मोदी भी आराम तलब और पुराने नेताओं जैसे ही हैं? ये सवाल हमें भी हिला देने वाला था। लेकिन जब इस सवाल की पड़ताल शुरू हुई तो फिर एक दो नहीं कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। अब आप आगे आगे बस वीडियो देखते जाइए। इंटरनेट पर थोड़ी सही तरीके से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तस्वीर एकदम सच्ची है और साल 2016 की है। यानी कि मोदी और इस हसीन महिला की तस्वीर में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। जांच थोड़ा और आगे बढ़ी तो फिर एक वीडियो भी मिला और इस वीडियो से खुल गया वायरल हो रही तस्वीर का पूरा राज। दरअसल मोदी के बाल बना रही ये महिला मैडम तुसाद की एम्प्लॉई है। मैडम तुसाद ने मोदी के स्टैचू को बनाने के लिए वहाँ से एक टीम आई थी और उसने मोदी के शरीर के अलग अलग हिस्सों की नाप की। इस पूरे प्रोसेस को शूट भी किया गया। इसी शूट किए गए वीडियो से मोदी की तस्वीर निकाली गई और उसे सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। लेकिन इस तस्वीर को इतनी होशियारी के साथ फैलाया गया कि मोदी के प्रशंसक इसे देखकर सदमे में ही चले गए। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे सच झूठ में मिलाकर परोसे जाते हैं कि भरोसा ना करना मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन उम्मीद है कि अब आप भी मोदी की इस वायरल तस्वीर का असली और आखिरी सच जान गए होंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।